आप सभी लोग सूर्यदेव के प्रकट होने हेतु आवाहन करें। और यदि ये कार्य मतंग ऋषि के द्वारा हो तो अति उत्तम। जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ओम भास्कराय नमः, ओम घृणीहि सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणीहि सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। महाराज केसरी, विदित हो कि जिस यज्ञ का आयोजन किया है आपने आज, वो सूर्यदेव के आवाहन हेतु किया गया है। जी ऋषिवर। तो आइए महाराज, जिस कार्य के सिद्धि हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है उसके निर्विघ्न सिद्धि हेतु संकल्प कीजिए महाराज। हे सूर्यदेव, हम मारुति के माता पिता अपने पुत्र के गुरु बनने हेतु आपका आवाहन करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें कृतज्ञ कीजिए। हे सूर्यदेव, मैं आत्मा से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें एवं मेरे माता पिता का मनोरथ सिद्ध करें। निर्मलम निर्विकल्पम च निर्विकारम निरामयम् जगत्कर्ता जगत्कर्तस्त्वाम् सूर्यं प्रणमाम्यहम्। के यज्ञ से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपके इस अनुष्ठान का प्रयोजन मुझे विदित है, मुझे ज्ञात है कि आपने मेरा आह्वान किस उद्देश्य से किया है। हे सूर्यदेव, आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस उद्देश्य को सफल कीजिए। देवी अंजना,
मेरा आगमन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है। मैं निसंदेह मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। देवी, मैं स्वयं अधीर एवं तत्पर हूं मारुति को शिष्य के रूप में अपनाने हेतु। रवि गुरुदेव की कृपा अपारा, मारुति को निज शिष्य स्वीकारा। जाके गुरु हो स्वयं भास्कर, बने वही गुण ज्ञान को सागर। हो जाके गुरु हो स्वयं भास्कर, बने वही गुण ज्ञान को सागर। ऋषिवर मतंग। आज्ञा प्रभुवर। अब आप मारुति को गुरु शिष्य परंपरा, संस्कार एवं उससे निर्वहन संबंधित समस्त ज्ञान देने की कृपा करें। इन संस्कारों के ज्ञान के पश्चात ही मारुति की विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी हमारे सूर्यलोक में। कल्याण मस्तु। प्रभु, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आपके समक्ष कदाचित मैं इतना ज्ञानी और योग्य नहीं हूं कि मैं आपको ज्ञान प्रदान कर सकूं, आपको गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बता सकूं। आप में तो ये सब कुछ पूर्व से ही विद्यमान है। ये समस्त ज्ञान, ये परंपरा एवं संस्कार, ये सब आपके रुद्र रूप की ही देन है प्रभु। आप जो सोच रहे हैं मैं उससे भली भांति परिचित हूँ ऋषिवर। महादेव के रूप में तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ना तो मैं कदापि जन्म लेता हूँ, ना ही मेरी मृत्यु होती है, एवं ना ही मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस रूप में विधिवत ज्ञान ग्रहण करने का, परंपराओं के निर्वहन के नियम अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच संसार के नियमों के अनुरूप मुझे गुरु शिष्य परंपरा एवं उसके निर्वहन के नियमों के विषय में बताएं। अहो भाग्य हमारे कि मुझे अपने ही आराध्य को ज्ञान देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। चलो बच्चों, अब तुम लोग शीघ्र भोजन शुरू करो। राम, मुंह खोलो बेटा। नहीं माँ, हम पिताश्री के साथ ही भोजन करेंगे। किंतु पुत्र, आज तो तुम्हारे पिताश्री राजकार्य में अत्यधिक व्यस्त हैं, तथा इस समय वो वन में युद्ध के अभ्यास हेतु गए हैं। उनके आगमन में तो विलंब हो सकता है। उनके आगमन में जितना भी विलंब हो माते, परंतु पिताश्री से पूर्व हम भोजन नहीं करेंगे। तथा माते, हमें पिताजी से पूर्व भोजन करने का अधिकार भी नहीं है। हमारे हेतु हमारे पिताश्री सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च है। ईसाइयों के बालकों में अपने पिता के प्रति इतना आदर और सम्मान कदाचित मैंने कहीं नहीं देखा। मैं भी प्रथम बार ही लक्ष्य कर रही हूँ। सुखद अनुभूति है, किंतु बालकों का भोजन ना करना एक माता की ममता हेतु अवश्य दुखद है।
माता श्री भोजन रख दीजिए। वो तो मैं रख दूंगी राम, परंतु बेटा तुम्हारे पिताश्री तो खाना खाने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो क्या हुआ माँ, पिताश्री नहीं आ सकते किंतु हम तो जा सकते हैं ना वहाँ? किंतु पुत्रो, इन सब कार्य हुए तो दास दासियां है ना? हाँ है, परंतु अब हम उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे तथा आज से पिताश्री का अन्य समस्त कार्य भी हम ही करेंगे। कोई दास अथवा दासियां नहीं करेंगी पिताजी का कार्य। पर राम, ये सब करने के लिए कारण? कारण है कि हम माता पिता का सानिध्य प्राप्त करने का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। उनका स्नेह एवं सत्संग अमूल्य है। मारुति, अब तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा और तुम्हारा शिष्य धर्म समझाने का समय आ गया है। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्मान संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदाये तस्मै श्री गुरवे। गुरु ही ब्रह्म देव, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महादेव शिव हैं। ऐसे गुरु के चरणों में सदैव नमन करना चाहिए। भावार्थ ये है कि गुरु में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। वे हमारे जीवन को पावन करते हैं, अपनी शिक्षा से हमारी अंतः के अज्ञानता को दूर करते हैं, उसे नष्ट करते हैं और हमारे जीवन को अलौकिक करते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बाह की गतिशीलता, धनुष की प्रत्यंच, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, आप अखंड आनंद देने वाले हैं।
अज्ञानता को हरने वाले हैं, अपने शिष्य के दुख और संतापों को हरने वाले हैं। हे सत, चित और आनंद देने वाले गुरुदेव, आपको नमस्कार है। इसका अर्थ ये है कि गुरु की कृपा में असीम और अपार शक्ति होती है। वे अपने शिष्य को न केवल गुरु बनकर अपितु उसके अभिभावक और संरक्षक बनकर उसके समस्त दुखों और संतापों का निवारण करते हैं, उसकी अज्ञानता को विनिष्ट करके उसे सत्य एवं आनंद का परम सुख प्रदान करते हैं। अतएव ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही हमें अज्ञान के अंधकार से दूर ले जाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मुझ में गुण और ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरुदेव, आप ही शिष्य के सुप्त अज्ञान चक्षुओं में ज्ञान का अंजन लगाकर उसे प्रकाशित करते हैं। उसके अंतः से अवगुण के अंधकार को समाप्त कर उसके अंतः में गुण और ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। ऐसे गुरु के पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम अर्पित करते हैं। पुत्रों, तुम लोग यहां इस वन में सब कुशल तो है? पुत्रों, सब कुशल तो है ना? जी पिताश्री, सब कुशल है। अब चिंता ना करें, आइए अब भोजन कर लीजिए। जी पिताश्री, हम आपके हेतु भोजन लेकर आए हैं। ओ मेरे पुत्रों, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? पिताश्री, ये पुत्र का धर्म है तथा अधिकार भी। मेरे पुत्र, तुम्हें पुत्र के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया, परंतु ये काम तो कोई भी दास अथवा दासी कर सकती थी। प्रसाद में अनेकों दास दासियां हैं, किसी को भी आज्ञा देते तो भोजन लेके आ जाते। नहीं पिताश्री, आपके लिए भोजन लाने एवं खिलाने का दायित्व हमारा है। जी पिताश्री, तथा आज से आपका समस्त कार्य हम लोग ही करेंगे। मेरे पुत्रों, हे विधाता, तुम अत्यंत कृपालु। इन पुत्रों के रूप में शील और संस्कार के चार रत्न दिए तुमने मुझे, चार रत्न। समय कितना निष्ठुर है, कदाचित स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि आपसे बिछो का समय भी कभी जीवन में आएगा। मारुती, महाराज मेरा पुत्र। देवी अंजना, मारुति अपने शयन कक्ष में सो रहा है, निश्चित ही आपने दुःस्वप्न देखा है। नहीं महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो यहाँ मेरे निकट आया था।